भारत के उत्तरी भाग का विकास हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में बसा है। उसमें भी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, जिसका वो स्वयं सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उसके विकास को लेकर वो काफ़ी कृतसंकल्प रहते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब पूर्वांचल और मऊ के विकास को लेकर के काफ़ी दृढ़ निश्चयी हैं। लगातार उस दिशा में काम हो रहा है। उस दिशा में ये मऊ में पुरानी बंद पड़ी कताई मिल के जमीन पर नए MSME क्लस्टर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक बहुत ही बड़ी पहचान हुआ करती थी वहाँ की कताई बुनाई बुनकरों का उद्योग। उसी को और आगे बढ़ाते हुए भूतकाल में वहाँ दो कताई मिलें, कॉटन मिल कार्यरत थीं। हम लोग जब विद्यार्थी थे वहाँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते थे मऊ में, तो हम लोग उन मिलों के प्रांगण में वहाँ काम करने वाले लोगों, कई लोग हमारे रिश्तेदार थे, वहाँ हम जाया करते थे, खेलते कूदते थे। बहुत ही एक वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम था उन कताई मिलों का। उनमें से दोनों ही कताई मिलें, एक को परदहा काटन मिल बोलते थे, एक को स्वदेशी काटन मिल बोलते थे। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले की सरकारों की उपेक्षा के कारण, कुशासन के कारण वो दोनों की दोनों मिलें बंद हो गई। हम जब नौकरी में आए तब से लेकर के अब राजनीतिक जीवन में आए हैं विशेष रूप से, उस समय मऊ जिले के लोगों ने ये बात बार बार हमसे कही कि इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें रोजगारी के अवसर मिलते थे, इनको किसी तरह से चालू कराना चाहिए। मैं जब से विधान परिषद का सदस्य बना, बाद में मंत्री बना, तब से मैं शुरू से ही इस काम को लेकर के प्रयासरत था कि इसको आगे बढ़ाया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस निवेदन को, मऊ के जनता की भावनाओं को का आदर करते हुए उस कार्य को मंजूरी दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल नगर निकाय चुनावों में मऊ गए थे, उस समय भी हमने उनसे निवेदन किया था। उसके बाद इसकी पूरी कार्य योजना के पीछे मैं पड़ा रहा विभागों से, अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर मैं सदैव प्रयासरत था इस कार्य को कराने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इसका उन्होंने शिलान्यास किया है, वहाँ एक MSME क्लस्टर पार्क बनाने का, और जो कैबिनेट ने मंजूरी दिया था उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि उस लगभग 85 एकड़ परदहा काटन मिल की ज़मीन पर एक बहुत ही सुंदर और भव्य MSME क्लस्टर बनाने का विचार है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मऊ की जनता को, मऊ के लोगों को, मऊ के युवाओं को जिनको उसमें विशेष करके रोजगार मिलना है, मऊ के बुनकरों को जिनको सूत जो है यहाँ वहाँ से लेने के लिए या अन्य उनकी जो बातें होती थी, और चूंकि ये नया औद्योगिक संकुल बन रहा है तो कई बातें ऐसी होती हैं जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं जो सभी बुनकरों के या सभी कताई करने वालों के काम आएगी, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा। इस भावना के साथ मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को मऊ की जनता के चरणों में अर्पण करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय MSME मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और MSME विभाग के वर्तमान के अधिकारी और पूर्व के अधिकारी जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में मेरी व्यक्तिगत रूप से मदद किया था, उनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।